जी तो नाज़रीन एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं तमाम व्यूअर्स को अपने पेज के ऊपर और तमाम दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सात ओवर के इंतजाम पर 51 रन हो चुके हैं जी। तमाम दोस्तों से गुजारिश वीडियो की शेयर करते रहे, हमारे साथ मौजूद रहे। इस बार अच्छा बॉल जिसको खेले ओवर द टॉप मिड विकेट जाने पर 6 रन के लिए और खूबसूरत छक्का लगाने में यहां कामयाब किया। सिंगल रन हासिल होगा, यहाँ करीम मौजूद हैं। तमाम दोस्तों की दाश बड़ी खुशी करते हैं इसी हमारे साथ। एक रन का दो रन हो गया। राइटेड डिलीवरी कट किया साकेत ने, एक रन हासिल होगा यहाँ। इकसठ रन हो चुके हैं जी, 8 ओवर का खेल जारी है। 7/8 रन पर ओवर के हिसाब से रन रेट बना रही है यहाँ स्पार्टन्स की टीम। अब तक 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, आउट होने वाले बल्लेबाज बिलाल खान और असद मौजूद हैं। इस बार खेलना चाहते थे ड्रीम इलेवन विकेट जाने पर फील्डर मौजूद होंगे। 1 रन रिटर्न के साथ पंबल हुआ, 2 रन समेटने में कामयाब होंगे। 8 रनिंग बीटिंग विकेट करीम खान के दमा पहन और 8 ओवर के इंतजाम पर 63 रन हो चुके हैं जी, 2 खिलाड़ी नुकसान पर।
इस बार उंगली फजा में बिलाल होने का इशारा दिया मलिक अकबर ने। लेग बिफोर का दूसरा आउट होगा। तीसरी विकेट का नुकसान यहां साकिब की सूरत में उठाना पड़ा स्पार्टन को। फ्रंट फुट से खेलना सर, फ्रंट फुट से खेलना क्या बात है कप्तान ने क्या तूने मारी है यार इसको। रन के मजबूत स्कोर पर तीन खिलाड़ी के नुकसान पर जी। अफसर आया है जी। अच्छी बॉलिंग का मजारा जी मेहताब की जानिब से। स्केले की जानिब खेले डीप स्केले के ऊपर फील्डर मौजूद एक रन का इजाफा हो गया। करीम खान मौजूद है अभी 26 रन आ चुके हैं। मेहताब बाग को प्लेस किया शॉर्ट फॉर्मेट जाने विक्रांत आसानी के साथ दूसरे रन के लिए भागने के अच्छी रनिंग बीट में विकेट दोनों बल्लेबाजों की मां बहन और दो रन बीट में यहां कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन हो चुके हैं। डॉट बॉल जाएगा ये इस बार फाइन लेग की जानिब खेले फील्डर मौजूद होंगे आसिफ एक रन का इजाफा हो गया। नाइन ओवर इज गॉन 67 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। नेक्स्ट बॉल इस बार है टिप्स के लिखे जाने पर खूबसूरत शॉट खेलने में कामयाब है करीम खान छक्का जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 73 जी। करीम खान अब तक मौजूद हैं 35 रन पर नॉट आउट। Sports charges
है ना। इस बार ट्राई किया कवर की जाने पर, एक रन आसानी के साथ मिटेंगे, दूसरे रन के लिए भागने जाएंगे। स्कोर 74 हो चुके हैं जी। इस बार क्या कट शॉट, पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद, एक रन का इजाफा होगा। शॉट ऑफ सेंचुरी जिसको किया कट शॉट, फील्डर के पास कोई मौका नहीं होगा चार रन के लिए। बैकवर्ड पॉइंट की बाउंड्री के बाद चार रन के लिए एक और खूबसूरत शॉट खेलने में कामयाब हुए करीम खान। इस वक्त स्कोर बढ़ता हुआ 79। इस बार फ्लैट डिलीवरी, स्टेट बल्ले से खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए और एक रन। तेरा चौदह है मैं, सबर कर जा। हाँ जी बड़ा तू भाग रहा है, तू पानी पिलाऊं तुझे। 9.5 ओवर के दाम पर 80 रन जितने जितने खिलाड़ी हैं। अफसर सामने करेंगे लास्ट बॉल का, सिंगल रन का मजीद इजाफा हो गया। 10 ओवर के दाम पर 81, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। मैं भर के देता हूं आपको। हां कोई नहीं, कोई नहीं। दो यार गया खुदा, कप्तान दो पानी आ रही है यार। अभी भूल जा जो 40 रन बनाए हैं, भूल जा उसको। अभी बोलिए, अभी नवे थे अभी आखिरी 10 ओवर के। इंशाल्लाह 100 इंशाल्लाह बजे 10-83 है। 81 है, ठीक है 10-81 है। अभी तो इसको भूल जा, 40 को भूल जा, अभी नए 40 स्टार्ट कर। ये किसका है? ये मेरा सच बार रह जाए। अच्छा मैं सारे दाग गिरा हुआ से खा दे दे, मैं भर लूंगा, ये भर देता। ओके थैंक यू। भाग के दिखा ना जरा उमर, भाग के दिखा जरा, तेरे होनी थी, दर्द निकल गए तेरे।
मेहताब बॉलर हैं जी, सामना करेंगे अफसर का। इस बार ऑन साइड भी खेले, अंपायर का इशारा देखना होगा। यहाँ लेग बाय की सूरत में यहाँ दो रन का इजाफा होगा। ठीक है ठीक है, उमर देखना अल्लाह, एक बार की जरूरत में दो रन का इजाफा हो गया। अफसर सामना करेंगे फिर मेहताब का, इस बार खेलना चाहते थे। कैच, इजी कैच, कोई गलती नहीं की यहाँ आसिफ बेग ने। अफसर की इसका खात्मा हुआ। इकतालीस नौ रह गए, खेल खेल अपना खेल तू छोड़। इरफान कैंची आए जिन्हें आने वाले बल्लेबाज फाइव डाउन पोजीशन की जानिब। तू आराम ही है, तू तू मैच बड़ा कर रहे हैं कसम खुदा की बात। और पक्की गल है, पक्की गल है, तेरा अंदर आना तो पक्की गल है। बंदे का टैड़ा आउट होता है, लिखी टुकी छुपी गल ही कोई नहीं इसे। जी तो नाजीन 83 रन पर चार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। स्पॉट में बैठ जाती, बैठ जा, थले बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, कुछ नहीं होती हो यार, बैठ जा। तेरे मेरे दर्द नहीं कसा ना। तीसरा बॉल करेंगे मेहताब, सामना करेंगे इरफान कैंची। अपना पहला बॉल, 11 रन पर खेल जा रही थी। बॉल को खेले वापस बॉलर की जाने बगैर किसी रन लिए हुए, बह जाते बॉल चेंज करा के आपने हमारे नुकसान किया। वो तो सब चेंज है, गेंद ये भी नहीं जा रहा है। फंबल हुआ, दो रन के लिए 85 रन के हो गए। बैठ जा, गोट गोट मार के थले पी। नहीं जरा काला बॉल, काली स्लाई लग सी, पहले भी काली स्लाई लगी, दोनों काली लग सी। ये चीज़ें देखना है ना पैर। सिंगल रन हासिल होगा यहाँ इरफान कैंची की सूरत। स्कोर बढ़ता हुआ 82 बने हमने वाला, दो बने करीम हाँ सामने करेंगे मेहताब का। इस बार स्कोर की जानब के लिए मौजूद होंगे डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर, और एक रन आसानी के साथ हासिल होगा यहाँ। गेंद बड़ा फटे पौंदा मिड विच चेंज हो जावे ना। तेरे को बैंड नहीं होना थले, तू मोटा हो गया भाई, तू अपनी कोई एक्टिविटी तेज कर दे, रनिंग शनिंग ली कर। नहीं चावल छोड़, चावल भूख गंदी बीमारी है। हाशिम बॉलिंग चेंज किया जी, स्पिन किया है बॉल, अच्छा स्पिन हुआ, एक रन आसानी के साथ खेले। अच्छी रनिंग भी विकेट इरफान और करीम के मापे ने, एक रन का तबादला ख्याल हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 88 88 रन हो चुके हैं जी।
कैंची नहीं छोड़ना। चलो ठीक है, अच्छा टाइम हो गया, अच्छा टाइम किया बॉल को। यहाँ इरफान ने एक रन हासिल होगा, यहाँ स्कोर 89। इस बार बॉल को प्लेस किया बैक फ्रॉम पॉइंट की जाने, खूबसूरत शॉट, फील्डर बाद डीप मौजूद होंगे आसिफ रजा और एक रन का इजाफा होगा। यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 91। इस बार एक और सिंगल, डबल रन हो गया, इस बार एक और अच्छी प्लेसमेंट बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, एक रन हासिल हो गए हैं, स्कोर बढ़ता हुआ 94। नहीं नहीं मैं खेल दे रहा हूँ ना, अले तेने लोड को नहीं, अले चार रन पे कोई लोड नहीं, चार रन के लिए कितने रन, अठारह नहीं, रन हो चुके हैं जी 98, 12 ओवर के इंतजाम पर 98 रन हो चुके हैं जी। अच्छा 18 ओवर में मैच है, बहुत अच्छा हो गया, फंडम में किस नाले, खेलना पे ना यार, जमशेद आज अपना भेजा, इतने लात मारे उन्होंने, रशीद साहब ने इससे कहने मैं बैटिंग करता ना फिर मैं तेरे को मांगा, नौ बजे को नहीं आई। आसिफ रजा बॉलिंग में अंदर तब्दीली की गई जी, वापस बॉलिंग के लिए लाया गया आसिफ रजा को, तीसरा ओवर करेंगे अपना, अब तक दो ओवर कर चुके हैं, 9 रन एक खिलाड़ी को आउट करने में काम, बड़ी अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग की है, 4.5 रन पर ओवर के हिसाब से रन दिए अब तक। एक बार फिर कप्तान वापस लेके आए इनको, करीम खान अब तक 48 रन पर मौजूद हैं। इस बार बॉल को प्लेस किया पॉइंट बैक फॉर पॉइंट की जाने, फील्डर मौजूद होंगे, एक रन आसानी के साथ समेटेंगे, यहाँ स्कोर स्पार्टन का हो जाएगा जी 99, 49 रन पर मौजूद हैं करीम खान। सीधे बल्ले के साथ खेले, वापस बॉलर की जाने पर किसी रन लिए, एक रन दूसरा रन लेना चाहेंगे, अच्छी रनिंग करनी होगी, तेज रनिंग करनी होगी यहाँ, और बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इरफान की और करीम के मौके, दो रन का तबादला ख्याल हुआ और इस असना में दो रन हासिल करने में यकीनी तौर पर कामयाब हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 101। 13 ओवर का खेल जारी, 101 रन हो चुके हैं, कम इन्होंने बराबर हो गया, ये 160 फट जा सिंगल खाली, यानी 80 40 45 ना करिए वो मार गई, देखो एक अच्छा कनेक्ट किया यहाँ डीप मिड विकेट जाने पर इरफान के चीज का, 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, स्कोर बढ़ता हुआ 107 जी, 13 ओवर के नाम पर 107 रन हो चुके हैं जी, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। पानी
तजर्बा किया कुछ भी नहीं बस पता नहीं पक्के आ गए एक रन से ये यहाँ करीम खान को अपनी 50 कंप्लीट करने के लिए बॉलिंग एक बार फिर हाशिम अपनी बॉलिंग लेने आएंगे 11 रन दिए हैं एक ओवर के अंदर इस बार अच्छा प्लेस किया बार को बैक पकड़ के अंदर और अपनी 50 यहाँ कंप्लीट करने में कामयाब हुए हैं 108 रन हो चुके हैं जी इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर खेले और कैच हुआ ड्रॉप सीधा कैच है यार इनू स्टाइल मारना है यार भाई फान भाई कम ऑन यार पता नहीं क्यों डाल के यार निकला तब क्या ये एक कैच बिल्कुल सीधा है इस बार कदमों का इस्तेमाल किया ओवर द टॉप एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन के लिए खूबसूरत अंदाज में खेले 108 रन हो चुके हैं जी 54 रन बनाने चुके हैं जी अब तक मेरी गलती तो नहीं मैं तो आउट करा दी कैच ना पकड़ने में हाशिम एक बार फिर बॉल लाइन के ऊपर मौजूद करीम खान एक बार फिर सामना करेंगे थर्ड मैन की जाने बाल को प्लेस किया फील्डर मौजूद एक रन का मजीद इजाफा हो गया तो काफी फर्क पड़ेगा हमला गोबर ही है इस बार थर्ड मैन की जाने प्लेस किया बाल को आसिफ मौजूद होंगे बाल को फील्ड करेंगे एक रन के लिए करीम वंस अगेन एक और खूबसूरत शॉट खेले कदमों का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा कवर की जाने इस ओवर के अंदर दो चौके लगा चुके हैं करीम खान 14 ओवर के इंतजाम पर 119 चार खिलाड़ी के नुकसान पर 119 चार ओवर अभी भी बाकी हैं बॉलिंग में एक बार फिर तब्दीली आसफ बेग को बॉलिंग के लिए लाया गया है पवेलियन एंड से चौथा ओवर करने के लिए अब तक 3 ओवर कर चुके 24 रन दिए खिलाड़ी कोई आउट ना कर सके इरफान कैची सामना करेंगे और इस बार बोल्ड कर दिया 5 विकेट का नुकसान यहां स्पार्टन्स को चेंज कर लो नाम बाद 3 ओवर है 3 ओवर
विकेट विकेट मुश्किल है, मुश्किल आसो भाई विकेट। अगली चार बालों में तकरीबन चार नहीं तो कम से कम एक ओवर कर दो। जिया ऑन साइड पे लेग स्टंप पर वाइड बॉल होगी यहाँ। सकोर की जाने पर फिर फील्डर मौजूद होंगे और एक राजस्थान के साथ मिटेंगे यहाँ। आगे एक्स्ट्रा कवर कीपर फील्डर तैनात हैं जी आसिफ बेग ने, और अच्छी प्लेसमेंट शॉर्ट साइड की जाने पर डेलिब्रेटली खेले यहाँ करीम खान चार रन के लिए जी। स्कोर बढ़ता हुआ 125 जी। डेलिब्रेटली खेले ना दाने सा तौर से खेले उसमें पता लगे असी गिनते पेस यूज कर लेती। इस बार एक और खूबसूरत शॉट पॉइंट और करी के मावैन खेलने में कामयाब हुए चार रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 129 जी। 67 रन पर नॉट आउट मौजूद हैं। कितने आउट हैं? चेस कर रहे नहीं या पहली नहीं? ना कर यार वो तो पांच ये साढ़े तेरे बड़ा राम ना लो जब यार ना चल यार करीम इसमें खामी है ड्राइव फ्लैट डिलीवरी छल्ला हो जाना जोर ना मारना। ये मेरा मुंडा है। और कितना हो गया नान भाई? 130 40 रन बना के आ जा बस अपने या टीम के? टीम के टीम के ठीक है। ओए टीम के बना करने अपने नहीं बनाने 40। क्या पता कमयाब हो क्योंकि स्पिनर तो बहुत अच्छा खेल लेता है वो। कहते फास्ट बॉलर लाओ हाशिम को बॉलिंग के लिए वापस लाया गया स्पिनर जी। हूँ तो आउट बनता है ना हूँ उस रंजा पास जाना है। आशिम अपना नेक्स्ट बॉल डालेंगे फ्लैट डिलीवरी कदमों का इस्तेमाल किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद। फील्डिंग खोली हुई है उसने ना जिया सामना करेंगे रस सिंगल डबल डबल के साथ एक बाउंड्री है बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस
विकेट मुश्किल है, नहीं हो रहा। मारेगा यहाँ से, ये एक्स्ट्रा कवर से ही मारेगा चौका, देख लेना। लॉन्ग ऑन की जाने बाल को प्लेस किया, बॉल फेंकेगा, आउट हो गया। दो रन आसानी के साथ समेटे यहाँ, बड़ी अच्छी रन हुई विकेट। करीम खान और हुसैन के बाबे दो रन का तबादला क्या हुआ, दो रन के स्कोर के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 134। नेक्स्ट बॉल स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, करीम नेक्स्ट बॉल सामना करेंगे। एक रन का मजीद इजाफा हो गया, लास्ट बॉल डिलीवर करेंगे। इस बार एक रन का ज्यादा, 16 ओवर के दम पर 136, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा फील्डर की जानिब से, आसिफ दाहरी हो रहे तीन बॉलर, चार चार दो बॉलर। दो रह गए, दो छत्ती छत्ती और फील्डर के हाथों में कोई गलती नहीं की, कैच करने में कामयाब हुए। यहाँ एक और स्पार्टन्स को नुकसान हुआ जिया की सूरत में, पानी की बोतल खोली, पानी भी यहाँ से लिया, पानी खत्म है आज भाई, पानी खत्म हो गया नहीं। ए, ए, ए। कितना स्कोर है, क्या नाम है, 36 हो गया। चट्टा आए हैं जी बल्लेबाजी के लिए, दोनों बैट्समैन एक ही ग्राउंड के, बड़ी भारी जिम्मेदारी है एक बार फिर चट्टे के कंधों पर। आज देखते हैं स्पार्टन्स को कितने रन देंगे अमीर हमजा, बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर। छत्तीस 136 दोनों मेरे लड़के खेल रहे हैं, मेरे एक कप्तान है करीम, नॉन स्ट्राइकर पे मौजूद अमीर हमजा। अमीर हमजा सामना करेंगे सेकंड बॉल का, आसिफ रजा हैं बॉलर। दो ओवर में रन्स देखने होंगे यहाँ कितने जोड़ेगी। एक रन बर्तवा करना होगा यहाँ दोनों को, दस बॉले। मार विकेट कवर करके फ्लिक मार, छह रन के लिए खेल दिया स्टेट, सिक्स रन जी। करीम का एक और खूबसूरत शॉट, छह रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, स्कोर बढ़ता हुआ 143।
बॉल नहीं है, आ गया बॉल, आ गया काके भाई, चुआ दे काके भाई बॉल देख। क्यों वजह क्यों नहीं आ रहे अपडेट? और इस बार विकेट हासिल करने में कामयाब है करीम की। एक सौ 143 के मजबूत स्कोर पर आउट हो चुके हैं। ये करता था ये वाला, ये साइड पैक है, वो तुम्हें ये खेला करो, देखो ना वो आपको पता है वो पैक साइड नहीं है। मनान खान आए हैं जी, टेबल खेलना बॉल का बहुत बड़ा नाम सा। टेनिस खेलना टेबल सही सही खेलना बहुत बड़ा नाम है टेबल ना। बॉलर या बैट्समैन? मैं क्या वही ना, मैं क्या बैट्समैन, बैट्समैन थे। पांचवा बॉल डिलीवर करेंगे अपना आसिफ रजा, तीन विकेट हासिल कर चुके हैं 25 रन देकर। दो बारें अभी भी मौजूद हैं आसिफ रजा की 17वें ओवर की। और स्टंप मिस किया यहां दानिश ने। और इस पार इजी कैच करने में कामयाब हुए मैं 17 और 143 रन। दोनों क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। एक ओवर बबिया बाकी है स्पार्टन्स का 143 रन के मजबूत स्कोर पर। दो विकेट मौजूद हैं। फास्ट बॉलर उसका क्या नाम था? वली। कैच सजाद वली। फिर कैच किसने पकड़ा था? अदनान सिद्दीकी। बाद यार ना बाद यार कहाँ के फायदा उसमें ट्रॉफी तो मिली के लिए इतने कैच में कुछ पाल इतना तो आएगा ना बात इतनी कैच आया बाकी और की ना तो आएगा ना कि बात इतनी कैच फाड़ लेगा। पठान मेहनती भी पठान के पास टाइम है, वो पता है सुबह मंडी जाता है और 11 बजे मुड़ के आके सारा दिन क्रिकेट खेलता है। जा रही है जाए क्या बात है, क्या हो भाई मेहनती जाए ना, गलत बात तो नहीं करे क्यों पठानो छा गए तुम। मेहनती भी है, वही टाइम भी है, मेहनती भी है, बस क्रिकेट मांगती है टाइम।
ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰੀਮ ਦਾ ਬੱਜਾ ਆ ਗਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਇਸ ਪੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਤੇਰਾ 78 ਸਕੋਰ ਹੂੰ ਉਹ 22 ਸਕੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਆਊਟ ਹੋਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਾਰ ਪਾਏਗਾ 40 ਪੇ ਤੱਕ ਬਾਲ ਜਲਦਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ अमीर हमजा सामना करेंगे जी वली का बॉल रहा एम्पायर को क्रॉस किया मौका हमजा मौका बिले चलना बिले नस नस बिले नस ना बिले किधर नजर बिले किधर नजर है बिले किधर नजर बिले नजर नहीं बिले किधर नहीं जोड़ी पकड़ लिया चलो इस मार खाने तो बाद पकड़ के था एक आगे आएगा एक रन का इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 144 लास्ट प्लेयर उनका इनाम भी रहता है अभी किसने बैट की है वली सामना करेंगे शॉट ओ माय गॉड व्हाट अ टाइमिंग क्या क्लास दिखाई है यहां दिल्ली ने 6 रन के लिए स्कोर 150 हो चुका है जी बेटा चुका मार दिया चार बालें भी बाकी हैं जी करियर का तक कर ये आउट ना हुई सिंगल लेके से खेल लेना बॉल ना जाया करी क्या बल्ले रियाज सामना करेंगे वली का कैच हो गया एक रन का इजाफा होगा यहाँ स्कोर बताओ 150 भी ये पकड़ लिया हेलमेट ला ली इसको ले 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 हेलमेट ले ले अमीर हमजा सामना के पिल्ले की जिंदगी का पहला चक्कर ना यार अच्छा इस बार ओवर द टॉप के लिए फील्डर देखना होगा चार रन के लिए जी एक और चौका हो चुका है रन हो चुके जी 55 दो बाले बाकी दुआ पाते दे दो बालियां अभी भी बाकी 155 रन हो चुके जी स्पार्टन्स के अमीर हमजा सामना करेंगे जी वली सजाद का बॉलिंग से दोनों शुरू किया एम्पायर को क्रॉस किया और इस बार खूबसूरत अंदाज में खेले लॉन्ग मिड विकेट की बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए एक और खूबसूरत बुलंदो वाला छक्का लगाने में कामयाब अमीर हमजा स्कोर बढ़ता हुआ 161 जी 161 रन हो चुके हैं किरण को बॉलिंग से ये बॉलिंग कैसे स्पिन नहीं लाना चाहिए थी रामजात नहीं छोड़ना फास्ट बॉलर में फास्ट बॉलर थोड़ा ज्यादा इजी हो जाना खेलना लास्ट बॉल डिलीवर करेंगी जी अपनी लास्ट बॉल के लिए आए अंपायर को क्रॉस किया इस बार किया कट फील्डर मौजूद दो रन आसानी के साथ समेटने में कामयाब हुए यहाँ 163 रन हो गई 164 रन का टारगेट यहाँ चेस करने के लिए दिया स्पार्टन्स को अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा शुरू में बड़ा अच्छा कवर किया स्पार्टन्स ने और मिडल में आकर बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया माइटी ईगल्स ने और एक कम टोटल पर यहाँ जो आउट करने में तकरीबन 18 ओवर में 164 रन का टारगेट यहाँ चेस करने के लिए दिया है देखते हैं कि माइटी ईगल्स इस टोटल को कैसे चेस करेगी ना
वो हंस रहे थे ना, 6:50 रहता था, तो जो उनकी कोई ऐसी वीडियो बना रहा था, तो इसने जब मारा ना जिता के, इसने वीडियो नीचे लिखा कि आप हंसो। ये बैंड जो फतेह जंग तक गई है वीडियो बैंड पूरे पाकिस्तान में। जो पैनल मैंने प्रयास किया ना वो सनाटिंग और चैटिंग करनी पड़ेगी। ए बात सुन है शरी, तेरे पास है पीछे तेज 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 पीछे जो अपनी वो अपनी दिल की जान मारोगे खान जी उन्हें ना कहना कि ये गिला था किसी को कहना कह दो। सबसे पहले आप स्टार्ट करो जीतने वाली कराना मुझे एक बात तू साकित क्या देख रहा उधर किधर ही नजर आती है पता Thank you.
आप बहुत बहुत शुक्रिया जी एक बार फिर तमाम व्यूअर्स को पेज के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। तमाम दोस्तों की वीडियो को इसी तरह हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। और 164 रन का टारगेट यहां चेज करने के लिए दिया है। बुरला कहते हैं भाई शाबा पहली बॉल पर पहला विकेट यहां खूबसूरत कैच है करीम खान की जानिब से। समीउल्लाह और दानिश आए हैं। क्या काम होता है मुझसे भी रह गया दानिश थोड़े रह गए मालूम बे ठीक है ना रही रही मुला अजरा ये पैड करना पे हूँ जी। तो नाज़रीन एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं तमाम व्यूअर्स को। तमाम दोस्तों की गुजारिश है वीडियो को हमारे साथ शेयर करते रहिएगा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। और एक और अच्छा बॉल यहाँ मनान खान का उल्टा चलवरी इसको खेला ऑन के लेके जाने फील्डर मौजूद डाइव लगा के यहाँ फील्ड किया खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा दो रन सेव किए यहाँ दानिश सामना करेंगे। एक और अच्छा बॉल बीट करने में कामयाब हुए यहां पांच बाले हो चुके हैं दो रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर।
तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को हमारे साथ इसी तरह शेयर करते रहिएगा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा ताकि हम आने वाली हर नई वीडियो आसानी आपको पेज पर दे सके। 164 रन का टारगेट यहाँ चेस करने के लिए दिया है स्पार्टन्स ने माइटी ईगल्स को, बॉलिंग सेकंड अटैक करने के लिए बॉलिंग लाइन के ऊपर मौजूद आमिर हमजा, Papa boy, good luck boy. पहला बॉल करने के लिए वो पाक एंड से बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग बहुत अच्छा से दौड़ने शुरू किया, सामने किया एम्पायर को क्रॉस किया, इस बार स्केल लेके जाने खूबसूरत प्लेसमेंट की बल्लेबाज ने, के लेके जाने फील्डर मौजूद होंगे, चार रन के लिए बाउंड्री लेन के बाहर जी, छह रन हो चुके हैं जी, दूसरी ओवर का खेल जारी है, अमीर हमजा बन सके बॉलिंग से दौड़ने शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, और बैकअप पे मौजूद एक रन का मजीद इजाफा होगा यहाँ, स्कोर बढ़ता हुआ 7, 7 रन हो चुके हैं, टारगेट कितना है 164, हमजा नेक्स्ट बॉल के लिए तैयार, सामना करेंगे ए बी बॉलर, एम्पायर को क्रॉस किया, अच्छा शॉट है चार रन के लिए, अमीर हमजा एक बार फिर दो चौके लग चुके हैं इस ओवर के अंदर, बॉलिंग से एम्पायर को क्रॉस किया, तीन बॉल कर चुके हैं अब तक हमजा, चार बॉल हो चुके हैं इसके, दो चुके इस ओवर के अंदर आ चुके हैं, 9 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर, दानिश बेक सामना करेंगे अमीर हमजा का, बॉल रहा है एम्पायर को क्रॉस किया, और इस बार पार को प्लेस किया, शॉर्ट मिड यानी फील्डर मौजूद होंगे बगैर किसी रन के लिए, डॉट बॉल करने में कामयाब होंगे यहां, हमजा लास्ट बॉल क्लियर करेंगे, एक रन का मजीद इजाफा होगा यहाँ, दो ओवर के दाम पर 12 रन जीतेंगे जी, एक खिलाड़ी के नुकसान पर, वैसे गल है ठीक आसम भाई थी,
कि ऐसे स्पिनर का नाम आके फास्ट गेंद कर रहे हो। वो तो स्पिन ही गेंद करता पे, वो तो सारियां वट वट के कर रहे हैं ना। और बॉलर अपनी फील्डिंग को सेट करते हुए बॉल आए पर क्रॉस किया इस बार, एक डॉट बॉल करने में कामयाब होंगे यहाँ। नेक्स्ट बॉल करी थी यार, इस बार कट शॉट, चार रन की रिबाउंड लेने के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 16। इस बार ओवर द टॉप के लिए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चार रन के लिए एक और चौका होगा यहां। बीस रन हो चुके हैं जी। ग्लास किया शॉट फाइन लेग के ऊपर फील्डर मौजूद बिलाल अहमद, और फील्डर बड़ी उमदा फील्डिंग की बगैर किसी रन दिए हुए। इस बार शॉट मिड विकेट जाने बाल को प्लेस किया बगैर किसी रन दिए हुए। लास्ट बॉल डिलीवर करेंगे, अच्छा तेज बॉल किया यॉर्क लेंथ के ऊपर। तीन ओवर के इख्तिताम पर 20 रन हो चुके हैं जी एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अच्छा क्यों एक गल हुई ना करो जी यार, शूटर तो जितने मर्जी मार सकना बंदा, कोई है वे। चलो हो गया काम, हो गया ना, नो बॉल तो होगी ना। अफसर आप बॉलिंग लाइन के ऊपर मौजूद हैं, पहला ओवर करेंगे। चौथा ओवर करने के लिए अफसर बॉलिंग लाइन के ऊपर मौजूद, राइट हैंड बल्लेबाज अदनान सिद्दीकी सामना करेंगे। दो बॉलों का सामना कर चुके हैं, पांच रन बनाने में कामयाब दानिश बेग, 15 बॉलों पर 15 रन मिनट में कामयाब हुए। अफसर अपने बॉलिंग जान से दो निशुल्क एम पर क्रॉस किया इस बार, अच्छा बॉल ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, थाई पैड पर लगी और बॉलर ने बॉल खुद फील्ड किया बगैर किसी रन दिए हुए। अफसर नेक्स्ट बॉल गिरी थी यार, इस बार ऑन साइड पे प्लेस किया बॉल को, डीप मिड विकेट जाने पे खूबसूरत चार रन खेलने में कामयाब हुए यहां अदनान से देखी। स्कोर बढ़ता हुआ 24।
अफसर नेक्स्ट बॉल डालने के लिए तैयार, बॉलिंग सन से आए, अंपायर को क्रॉस किया, इस पास स्लो बॉल किया, खेल दिया अंपायर के सर के ऊपर से, चार रन के लिए, अच्छी टाइमिंग, चार रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 24 जी 28 28 रन हो चुके हैं जी। इस बार अच्छा बॉल शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी की, जिसको खेलना चाहते थे, पुल बल्ले के पास गुजरता हुआ सीधा विकेट कीपर ग्लव में, डॉट बॉल करने में कामयाब हुए। यहां अफसर सामना करेंगे अदनान का, बहुत अच्छी ट्राई है नान की। कट करना चाहते थे बॉल को, बॉल फीट करने में कामयाब है मनान खान। तीस रन के मजबूत स्कोर पर 5 ओवर का खेल जा रही है जी। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेल दिया स्केल, लेकिन यानी फील्डर मौजूद होंगे साकिब बगैर किसी रन दिए हुए। इस बार अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान खेलने में कामयाब हुए 6 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 35।
इस बार एक और तेज बॉल किया, रन देना चाहते थे फील्डर बॉल, बॉलर ने बॉल को खुद फील किया बगैर किसी रन दिए हुए, बॉल बॉल करने में कामयाब हुए। यहाँ और इस बार यॉर्क लेंथ के ऊपर बॉल किया, क्लीन बॉल करने में कामयाब हुए एबी को, दानिश को क्लीन बॉल किया, छत्तीस पांच ओवर के दाम पर 36 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। पांच हुए पांच, अफसर अपना सेकंड ओवर करने के लिए स्लीम आए हैं। नए आने वाले बल्लेबाज अदनान सिद्दीकी मौजूद, अब तक आठ बॉलों का सामना कर चुके हैं, 15 रन बनाने में कामयाब, तीन चौकिंग मदद के साथ अफसर अपना दूसरा ओवर करें, अब तक एक ओवर कर चुके हैं, 9 रन दिए हैं। पहला बॉल के लिए तैयार, इस बार डी मेडिग्रिया ने बॉल को प्लेस किया, फील्डर मौजूद होंगे, एक रन आसानी के साथ समेटने में कामयाब हुए। यहां स्कोर बढ़ता हुआ 37। अफसर नेक्स्ट बॉल के लिए आए, एक रन का मजीद इजाफा होगा, यहां स्कोर बताओ 37। अफसर सामना करेंगे अदनान का, गोल ड्राइव किया, फील्डर मौजूद, साकिब और बगैर किस रन दिए डॉट बॉल करने में कामयाब हुए। अफसर बॉलिंग लाइन के ऊपर मौजूद, आई एम्पायर को क्रॉस किया, नासिर के सामने का स्लो बॉल किया, स्लो बॉल डॉट बॉल करने में कामयाब हुए। यहां अफसर नेक्स्ट बॉल के लिए भागे अपने बॉलिंग स्थान से, एक रन के लिए मजीद इजाफा होगा। यहाँ
अफसर नेक्स्ट बॉल के लिए थी यार। अच्छा बॉल टॉट करने में कामयाब हुए यहाँ। छः ओवर के अख्ताम पर 39 रन हो चुके हैं जी दो खिलाड़ी नुकसान पर। छः ओवर के अख्ताम पर 39 रन हो चुके हैं जी दो खिलाड़ी के नुकसान पर। रन चाहिए अभी 72 बॉलों पर 125 रन। बस अभी बॉलिंग की तरफ जो वो कमर पेन निकले ना वो उसमें कम है जरा। वो ये भी तकलीफ करेगा वो जब से वो मैंने आपको कहा ना वो उसका पेन मसलर पेन हुआ ना उसमें थोड़ी सी बॉलिंग करना जरा इसे। चाहो बच्चे बॉलिंग थोड़ी तगड़ी कर जरा कंप्लेन आ रही बॉलिंग तगड़ा बॉल नहीं आ रहे तेरे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी इस बार स्केल लेके जाने बॉल को प्लेस किया। थोड़ा तले चुक गया हमजा थोड़ा चुक के आते थले थोड़ा चुक के आते थले बैंड कर अपने आप जिसम नु जरा डिलीवर कर लगना बैंड कर बाल नु जरा ये आवाज अंदर नहीं जाती जाती है खैर वो भी मेरा लड़का मैं इसको अपना बताता हूँ वो कुछ नहीं। हमजा बॉल लाइन के ऊपर मौजूद है तो ए बैंड कर और थोड़ा बैंड कर बाड़ी खड़ा ना रखना बाड़ी थले चुकाया कर ताने किसी ने गेंद तेरा तू बाड़ी खड़ी करके ना चटका भी लाने नहीं है सब थले चुकाओ बाड़ी तो अगर चटका मार उसने। जी तो नाजरीन हमसा इस वक्त बॉलिंग लाइन के ऊपर मौजूद है बॉलिंग चांस से दौड़ने चुके सामने करेगा दान आया अंपायर को क्रॉस किया ये चीज हमजा अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं अब तक 13 रन दिए हैं किसी खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब नहीं हुए। सामना करेंगे सलीम राइट हैंड बल्लेबाज बॉलर अपनी शान से दौड़ने शुरू किया एम फिर को क्रॉस किया व्हाट अ डिलीवरी क्या बात है बच्चे तेरी बड़ा अच्छा बॉल निकाला यहाँ बैट्समैन को पता ही नहीं लगा बॉल कहाँ से पड़ा कहाँ से निकला और कहाँ गया ये खूबसूरत डिलीवरी बड़ी यूज की थी ना तू अपनी किस तरह गेंद निकले बॉडी तो यूज कर कम अज कम यार तू आप चंगा भला समझदार आदमी है। हमजा नेक्स्ट बॉल करने के लिए अपने बॉलिंग शान से दौड़ने शुरू करेंगे रिदम से आए अंपायर को क्रॉस किया और एक और खूबसूरत डिलीवरी बॉल अच्छे मैं बताता हूँ करता है सिर्फ थोड़ा सा ये कि साथ साथ इसको ब्रीफ करना पड़ता है नहीं करता है वो भी करता है चलें जिधर मर्जी यूज करें प्राणा दी बेस्ट है। एक और अच्छा बॉल क्योंकि यही अच्छे क्रिकेटर की निशानी होती है कि बॉल को कैसे यूज करना है ये टाइम टू टाइम इंसान को पता लगता है। ये स्लो बॉल था जिसको पिक नहीं कर पाए और एक रन आसानी के साथ समेटने में कामयाब हुए यहां 7 ओवर के अख्ताम पर 43 लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स।43 हुआ 43
شكرا شباب अस्सलाम वालेकुम खुरमी, अल्लाह तशक्कुर ठीक ठाक
मैं टोकमची हैं गेस्ट यार, एक सेकंड होल्ड करो, मैं बाहर जाऊँ जरा। रान भाई ऊपर पीछे आज इतना दिन। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, इस बार बॉल कौन साइड पे खेला, जोरदार अपील लग बिफोर की और अंपायर इंटरेस्ट नहीं थे। इस सजना में एक रन का मजीद इजाफा होगा यहाँ। एवरीबॉडी कमर कमर, बहुत अच्छे हैं।
शाबा फजल नारा जालिम अलिम जिमान तेज बॉल ना कवन इस बार ट्राई किया लॉन्ग ऑन की जाने एक रन का मजीद इजाफा होगा यहाँ शब्बा शब्बा बॉय बहुत आला भाई बहुत आला बॉय अच्छा कर रहा भाई अच्छा कर रहा शब्बा सैफुल्ला बॉलिंग चांस से दौड़े आई एम्पायर को क्रॉस किया इस बार खूबसूरत शॉट खेले लॉन्ग पिच के लेके जाने छह रन के लिए एक और खूबसूरत शॉट स्कोर बढ़ता हुआ 73 उमर बॉल और सर चक्का लाया सही लाया लगे काफ हो गया कितना कामन तो स्टामे रहे 197 कामन थे मतलब अगर ये और निकलते तो 8 में 90 तक रह जाएगा तू यार क्या कर दे अगर 7 और पा रहे हैं पहले तीन हाँ तीन गेंदों ये नहीं कर दिया रहती है ना हाँ तीन गेंदों 7 पा सकता है बिल्कुल तीन गेंदों 10 ही हो सकता है सही है क्या है उनके अंदर जानी है तू आउट कराने लगे हैं आउट होगी चल इस बार स्केल लेके जाने देखो चौका होगा फील्डर मौजूद होंगे बड़ा बल्ला से उस स्केल लेते हुए रहीम दा ये तब का खेल है मेरे कजन के साथ ओपन करता था मैं छोटा सा होता था तो 7-8-10 साल का उसके साथ जाता था तब से ये ओपन कर रहा है तब से खेल रहा है तब से ओपन कर रहा है तो ये तो थले नंबर पे भेजा ने यही निकाल साबा गंकड़ा पुरवा छ गंकड़ा पो मैच फसी वाला स्कोर पाई चौका पाई और नेक्स्ट बॉलिंग के लिए थी यार सामना करेंगे काटी चलाना पे इतना इस बार मिड विकेट जाने प्लेस किया फील्डर मौजूद होंगे फजल मनान और एक रन आसानी के साथ समेटने में कामयाब हो गया स्कोर बढ़ता हुआ 78 क्या वजह यार क्यों नहीं आ रहा स्कोर अगे दस ओवर के इख्तिताम पर 78 लॉस्ट ऑफ 4 विकेट्स 78 7 8 10
48 86 कैंचियां दे देना ठीक है उधर खैर है उधर टेंशन नहीं जी पुरम भाई आओ उधर हूँ मैच चौसा नो 7-8 7-8 10 अच्छा अने मैं वो फिर उन्होंने शामी जैसा 7-8 बजे तोड़ना फिर मैं रात 8 तो बाद ही आपता करता तोड़ना फिर इंशाल्लाह ठीक ठीक है ना ओके इस बार एक और खूबसूरत बॉल हमजा के बाजू से निकलता हुआ सीधा विकेट पर लेते डॉट बॉल करने में कामयाब हुए सैंतालीस बॉल पर 86 रन चाहिए यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट ओवर होंगे यहाँ स्पार्टन के ये 2 से 3 ओवर यहाँ अगर रन रोकने में कामयाब हुए तो डेफिनेटली काफी प्रेशर क्रिएट हो सकता है माइटी ईगल्स के लिए और इस बार एक रन का इजाफा होगा यहाँ बड़ी अच्छी फील्डिंग है बुजारा अदनान से देखी सामना करेंगे हमजा का आए अंपायर को क्रॉस किया और विकेट हासिल करने में कामयाब है यहाँ हमजा थर्ड मैन के ऊपर कैच मौजूद थे बिलाल खान और पहले विकेट का नुकसान यहाँ उठाना सॉरी चौथी विकेट का नुकसान यहाँ उठाना पड़ा पांचवी विकेट का सॉरी 79 रन के मजमू स्कोर पर माइटी ईगल्स अदनान सिद्दीकी 21 बॉल के सामने किए 29 रन बनाने में कामयाब हुए बिलाखर कितने रन की पार्टनरशिप हुई जी हुई है नुमान खान हमारे साथ मौजूद है जीत कौन रहा है ये कोई पता नहीं जी कौन जीत रहा है क्योंकि मैच 50-50 है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता बड़ा सख्त मुकाबला जारी है माइटी ईगल्स और स्पार्टन्स का आसिफ बेग आए हैं बैटिंग के लिए कैप्टन माइटी ईगल्स के उनासी रन के मौजूद स्कोर 5 खिलाड़ी के नुकसान पर अच्छा ओ ठीक है बाहर हो रहे हैं हमजा सामना करेंगे आसिफ का और इस बार अच्छा बॉल बट रन हासिल करने में कामयाब हुए एक ये लेंथ है तेरी बच्चे यही लेंथ है अच्छे बॉलर की यही निशानी होती है वो अपनी लाइन लेंथ को मिस नहीं करता और अपनी लाइन लेंथ के साथ बॉल करता है बाकी जो है वो बैट्समैन के ऊपर छोड़ देता है कि उसको कैसे वो प्लेस करेंगे अब तक कितनी बॉलिंग हो चुकी हैं जी 3 4 बॉलिंग हो चुकी हैं
दो बॉलें भी रहती हैं जी, दो क्यों आ रही है मेरे को, देख मेरे को दो आ रही है। एक रन के लिए बाल को प्लेस किया डीप मिड विकेट के आने पर। यार ये बड़ा अजीब गरीब किस्म का काम है इसका। 81 रन हो चुके हैं। 12वां 11वां 43 बॉल्स 83 रिक्वायर्ड किया, 17 रन अब तक एक खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए हैं। और इस बार चौका हासिल किया हो गया 42 पे 79। ओते मामा ते तेनु पता सी आखिरी गेंद सी बाहर कर लेवे यार, तेन पता गेंद लगने ही लगना है नहीं तू बाहर कटे कर ना, तेन पता आखिरी गेंद चार रन सेव करने सिंगल देनी होती है चौका सेव करना होना क्यों हाँ तो बाहर करना तो फिर बंदा फिर बाल लेना तेरा कम बनता सी ना फिर मनान मनान भाई स्ट्राइक पे ये मनाना है बॉल की आसिफ पे का मिड विकेट के ऊपर से एक बुलंद बाला छक्का और ये अंपायर का इशारा 6 रन। स्कोर बढ़ता 192। बानवे माइटी ईगल्स को जीतने के लिए 40 बॉलों पे 72 रन की जरूरत। दोबारा से मनाना है बॉल की और ये अच्छा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन। 38 बॉल 70 और 70 ये बात नहीं मनाना भाई, एक आउट की बात है, एक आउट की। एक अच्छा शॉट आसिफ बे की जानिब से, आसिफ बे को यहाँ पे कैप्टन इनिंग्स खेलनी होगी। मनान और ये बॉल को लॉक करना चाहते थे मिडिल विकेट के ऊपर से बीट हुए। सामने खेल दिया हल्का सा 1 रन। 12/97/5 36 बॉल 67 रन। Thank you.
67 एक रन काम बता रहे हैं वो और साकिब को लाया है कप्तान ने पूरी नैन से साकिब खाना सी पिछला हुआ क्यों नहीं करवा साकिब आए हैं पांच 36 पे 36 पे 67 36 पे 6 6 12 हुए ना अभी 6 और रहते हैं एक विकेट बस एक विकेट मिलेगी ना इसकी आसम मार गया 10 रन इसे विकेट आनी है कम से डाल देना है क्या हुआ मनान ने अपने 4 रन चार में सिर्फ 29 रन दे के दो आउट किए पहला ओवर करने के लिए बॉलिंग लाइन के ऊपर मौजूद साकिब और ये साकिब आए हैं पवेलियन एंड से आए बॉल की और ये पॉइंट के ऊपर से खेल दिया और ये एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा चार रन बढ़ता हुआ स्कोर 101 आए बॉल की आसिफ बेग ने कवर की जानिब खेल दिया फील्डर मजबूत एक रन का इजाफा इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर में स्पार्टन की टीम बिल्कुल उमर सही कह रहे हैं सिंगल डबल की अभी गेम रह गई है क्योंकि यहाँ रन हासिल कर चुके हैं 5 सिंगल डबल पर रोटेशन रखेंगे तो इस बार अच्छा प्लेसमेंट बॉल शॉट समेट की जाने फील्डर फंबल हुए और एक रन आसानी के साथ मिटेंगे यहाँ रहीम शाजी मुझे लगता है जहाँ तक स्पार्टन को सिंगल रोकने की जरूरत है सिंगल भी है बाउंड्रीज भी है अब देखना ये होगा कि कितनी हिकमत अमली के साथ यहाँ बल्लेबाजी करेगी लंबी बैटिंग को लेके जाती है यहाँ नाकाम रहे और दो रन आसानी के साथ समेटेंगे यहाँ बढ़ता हुआ स्कोर 105 यही इनको थोड़ा सा लंबा लेके जाना होगा अगर यहाँ ये विकेट देते हैं तो ये सारी मेहनत इनकी राय गांज जाएगी थोड़ा सा लंबा लेके जाएंगे तो मुमकिन है कि यहाँ माइटी ईगल इजली इस रन को चेस कर सकती है 164 रन का टारगेट है यहाँ चेस करने के लिए 59 रन अभी भी बाकी हैं 32 बॉलों पर साकिब आए बॉल की और खेलना चाहते थे वो बॉल था बीट किया विकेट कीपर ने डॉट बॉल करने में कामयाब हुए यहाँ साकिब लास्ट बॉल डिलीवर करेंगे अपना इस ओवर के अंदर ये बॉल डॉट जाता है तो एक अच्छा ओवर हो सकता है स्पार्टन्स के लिए यकीनी तौर पर और इस बार खेल दिया फील्डर बॉल के नीचे होंगे और इजी कैच करने में कामयाब हुए बिलाखर पार्टनरशिप को तोड़ा यहां आसिफ बे की कीमती विकेट हासिल करने में कामयाब हुए और स्कोर चाहिए क्या 30 बॉलों पर 59 रन 30 बॉल्स 59 रिकॉर्ड्स हियर 59 सिंगल करना थी थोड़ा सा थोड़ा सारा काम हो गया सी 9 रन से ले लिए सिंगल डबल कर दो इसका क्या नाम है मैच फंस गया ना मैच फंस गया जब तक आउट नहीं होता तो मैच बहुत ज्यादा हो जाती है उधर उधर हो जाती है नाम बता दो भैया सज्जाद सज्जाद वली आए हैं अगर विलियन वो खेलता सही जा रहा है बॉलिंग चेंज कप्तान पार्क एंड से इरफान
अगर अगर करना भी है ना तो इसमें इसमें मिडिल स्लो करना है। अगर करना भी है ना तो पीछे लाग पूरे पीछे लाग के पीछे पीछे लाग के पूरा ना मिडिल ऑफ स्टंप पे स्लो करना है। अब इरफान को लेते हैं पार कैसे हैं के कहना चाहिए विकेट यार ए विकेट नहीं है मैं तो दस रन ए विकेट 6 पे रन दी मार ले मार ले नमाज मार ले शुजाई ना मारा विदान कैसे लग सी है ओ ओ ओ जो माज जंग हो गया होंगी एकड़ी जंग साबी सुने पूरी से साबी मार दे मार दे उठते गल के मार दे सुना ठीक है मैं ठीक कारण ਪਤਾ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਪਰ ਉਹ ਅਚਲ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਆਵਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਵਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਮੈਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਤੁਨੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲੇ ਆਵਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਰ ਕਰੋ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਨ शाजी इनको एक ग्राउंड चाहिए था उनसे पता कर लेना वो आसिफ भाई को ग्राउंड चाहिए था जब पता कर लेना ग्राउंड चाहिए था उनको कुछ क्यों नहीं आपके पास हो ना ना आपके पास है ना तो मेरा आपको ग्राउंड मिल जाएगा मेरा गांव आज बात कर ले मुझे मैं के सारा आप बोल रखे ले आप बोल रखे ले जुमात दस है ना जुमात तू दस है ना आज आसफ अपना आसफ रजा उसे पता नहीं मेरे ग्राउंड का जी क्या कहते हैं आप बड़े लकी रहे यहाँ बैट्समैन भी लकी रहे और फील्डर भी लकी रहे अगर ये बॉल मिस करते विकेट कीपर तो डेफिनेटली 4 रन हो सकते थे काफी तेज बॉल बीमर किया था इरफान कैंची ने सामना करेंगे रहीम का इस बार इनसाइड एज और एक रन का मजीद इजाफा होगा यहाँ बड़ा कीमती ओवर तेरे हाथ से खतरनाक भी साबित हो सी जा रहा यहाँ पे खुले खुल गए ओवर करने में सच्चा सात आठ साल ओवर करता था बेहतरीन बॉल की और ये गाली कोई नहीं कामयाब हुई
माइटी ईगल्स को अभी 27 बॉलों पे 58 रन दरकार। नए आने वाले बैट्समैन फजल इरफान कैंची फजल को आई बॉल की फजल पे स्क्वायर पे खेल के एक रन। वेल डन ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब गाइस। स्कोर बढ़ता हुआ 107। और ये पॉइंट से थोड़ा सा आगे गिरा एक रन। स्कोर पड़ता हुआ 108। 25 बॉलों पे 56 रन दरकार। वेरी वेल बॉलिंग। अच्छा ओवर एक बार अलग कर रहे हो। सिर्फ 3 रन दे के आउट आए बॉल की और वेरी वेल बॉल खाली। गुड आवर। अब 4 ओवर में 56 रन दरकार। 56 बॉलिंग चेंज की है कप्तान ने, साकिब को हटा के अफसर को लेके आए हैं। उतर वाल गेज आखिरी होगा अरे गुड वेल इंशाल्लाह कहते फाइनल में नोब जाए। मैं क्या आज तू 4 बचा मजा था भाई। आज 4 बचा ना जो किसी विलेज को जैसे वो विकेट आएगी ना उसी किनारे। हाँ उसी रेंज विकेट आएगी फिर उसी में 24 बॉलों पर 56 रन दरकार हैं। यहाँ जीतने के लिए असर हैं बॉलर। तीसरा ओवर करेंगे अब तक 12 रन दिए, किसी का रिकॉर्ड करने में कामयाब नहीं हुए। सामना करेंगे रहीम डेंजरस मैन ऑन द क्रीज 24 स्लो बॉल। एक अच्छा ड्राइव बट काम नहीं आया। यहाँ बड़ी अच्छी विकेट तंबली के साथ बॉल किया अफसर ने। बहुत वाइड खड़ा है। अपने अगले बॉल के लिए भागे क्रॉस किया ये बॉल की और ये वेल बॉल। बड़ी अच्छी लाइन लगाने के साथ बॉल डाला अफसर ने सीधा जो है स्टंप सिस्टम बॉल कर रहे हैं और यहाँ कोई मौका नहीं बैट्समैन के लिए कि वो शॉट खेल सके रन के लिए और एक मजीद डॉट बॉल करने में कामयाब है। 2 बॉल डॉट कर चुके हैं अब तक अफसर। तीसरी बॉल के लिए अपने बॉलिंग हैंड के ऊपर भागना शुरू करेंगे और सामना करेंगे डेंजरस मैन रहीम जी। उमर आप क्या समझते हैं मैच किस तरफ जा रहा है? इसका प्रेशर मेरे ख्याल से माइटी ईगल्स के ऊपर है जी। शाह जी बिल्कुल ठीक है, ये इक्वल है। आप इस बार तकरीबन मैच पार्टन जीत चुकी है लेकिन रहीम जब तक खड़े हैं कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट है और किसी बॉल पर छक्का, ये छक्का अंपायर अकबर की इशारा कि ये 6 रन है। स्कोर बढ़ता हुआ 114। 21 बॉलें 50 रन, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी माइटी ईगल्स को। वेरिएशन दिया था जो रहीम को कर गए अफसर है। अफसर अगर स्लो बॉल करना है ना तो मिडल ऑफ स्टंप से करना है आपने। नहीं अगर करना है तो मिडल ऑफ स्टंप से करें ना।
मिड वो खड़ा हो जाएगा फिर। नहीं 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 लिपेट जरूरत ही नहीं उससे नहीं लगेगी। ये सीखने का एक बार और एक और शॉट सीधा फील्डर के हाथों में और एक रन हासिल करने में कामयाब होंगे। यहाँ बड़ी अच्छी एफर्ट्स बल्लेबाज रहीम की जानिब से, अब तक 7 रन समेटने में कामयाब हुए हैं। रन मौजूद हैं, अभी भी 2 बॉलें चाहिए और इसके लिए देखना होगा। रहीम अभी तक 19 बॉलों में 31 रन की एक तूफान इनिंग्स खेल चुके हैं और अभी 20 बॉलें मौजूद हैं। ये गली क्रिकेट थोड़ी हो रही है, बैट चेंज कर रहे हो। अब सर अपने बॉल के लिए भागे, बॉल की फजल लॉक करना चाहते थे लेकिन बीट हुए, कट करना चाहते थे, बॉल लो डाउन था जिसका भरपूर फायदा उठाया सीधा विकेट के बीच गेंद में, कट करना चाहना सीधा ड्राइव उधर नहीं हो कट करता पैसे बैक फुट गया ना वो तो उधर मारे तो खेल गेंद खेड़ी जा गया अगर फ्रंट फुट से खेड़े यार थे नहीं जी वो उधर मारना चाह रहे कट नहीं रिवर्स करिए फिर देखिए गुरु रिवर्स करके तक उधर से खेड़ लगा गेंद वो उधर मारने गया बॉल बल्ले हो गया तो खलता खलता खेलना चलो उन्हें इस गेंद पे देख लेने ना आए बॉल की अगले कदम पे क्लिक किया और एक अच्छा ओवर अफसर का 48 बॉलों पे 48 15 ओवर के अख्ताम पर 116 रन 7 लड़ी के नुकसान पर 18 बॉल पर अभी भी 48 रन चाहिए 16 रन पर ओवर के हिसाब से। यहाँ माइटी ईगल्स को रन चाहिए विकेट मौजूद है 48 18 हाय बॉल की और मारना चाहते थे इसको मिड विकेट की तरफ लेकिन एक रन 17 बॉल 47 रन ओ नहीं तुम्हें मार चला जाऊंगा मैं तो सलीम जानी है इकट्ठे निकला कर रहे मेरे आगे के समाज का मार के आए बॉल की रही ने मारने की कोशिश की कहीं आए बॉल की और ये दोबारा मारा लियास के पास एक रन एक अच्छा ओवर अभी तक बिल्कुल उमर एक अच्छा ओवर जारी है स्पार्टिंग की जारी से अब तक 3 बॉलों पर 2 रन हासिल कर सके हैं 3 बॉले भी मौजूद हैं अगर इन बॉलों के ऊपर 8 रन अगर हासिल कर लेते हो तो एक अच्छा ओवर होगा एक और अच्छा बॉल जिसके लिए जाने फील्डर मौजूद होंगे अक्सर और एक रन हासिल करने में कामयाब होंगे। यहाँ स्कोर बढ़ता हुआ 119 बड़ा अच्छा मुकाबला माइटी ईगल्स वर्सेस स्पार्टन कदमों का इस्तेमाल किया इस बार एक रन समेटने में कामयाब होंगे। यहाँ स्कोर 120 13 बॉलों पे 44 रन दरकार कुछ भी हो सकता कुछ भी हो किससे आए बॉल की और वाइड बॉल एम्पायर तमूर की जानिब से इशारा के बॉल दोबारा करानी पड़ेगी और हो गया जी 12 बॉलों पर 43 रन चाहिए जी जीतने के लिए 12 बॉलों पर 43 रन जी
कितना 12 43 सर क्विक फील्डर आपने अंदर बुला लिया और सामना करेंगे रहीम जी। अब तक 33 रन बना चुके हैं 22 बॉलों पर 3 छक्के और 1 चौके की मदद के साथ सामना करेंगे अफसर का। अफसर का ये चौथा ओवर है, 3 ओवर में 20 रन दिए हैं, खिलाड़ी कोई आउट नहीं कर सके। आप पहला बॉल करने के लिए अपने बॉल निशान से दौड़ने शुरू करेंगे जी। जी उमर आए बॉल की और ये एक बहुत उठाकर खेल दिया लॉन्ग मिड विकेट की बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए पहली बॉल पर पहला छक्का रहीम की जानिब से। अभी भी कुछ भी हो सकता है मैच में रहीम, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस ओवर के अंदर अगर 18 से 20 रन आते हैं तो अगले ओवर के अंदर 18 से 20 रन मजीद चाहिए होंगे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। पहली बॉल पे छक्का आ गया रहीम इस वक्त माइटी, थोड़ा हमने भी रखा हुआ अपने मुंडे के ऊपर इस वक्त रहीम ने थोड़ा रखा हुआ मुंडे के ऊपर। माइटी गर्ल्स को अगर जीतना है तो रहीम को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने उमर, ये दोनों के दोनों ओवर खेलने होंगे उसको। और ये एक अच्छी इनिंग्स रहीम की इख्तिताम पजीर, बिलाहर कीमती विकेट का नुकसान हासिल करने में कामयाब हुए रहीम। बैक टू पवेलियन आफ्टर 39 रन्स। और खलता रहे रहीम, जान अटकी हुई थी यार। नए आने वाले बैट्समैन हाशिम, जान अटकी खत्म हो गई है। साढ़े सात काम ही खत्म हो गया देखना हाशिम आए हैं। अफसर अपने तीसरे बॉल की तरफ 10 बॉलों पे 37 रन, 8 आउट हो चुके हैं, 2 विकेट मौजूद हैं, 10 बॉलों पर 37 चाहिए जी। आसिफ रजा यानी हाशिम सामना करेंगे। आए बॉल की और ये पॉइंट के ऊपर से खेल दिया इन्होंने बॉल, असद की अच्छी फील्डिंग, असद की नहीं मनान खान ने अपने भारी जिस्म को जमीन के ऊपर जोर से फेंका बट नाकाम हुए और एक असद की अच्छी फील्डिंग 2 रन सेव करने में कामयाब हुए। 2 रन बने यहाँ, 129 रन हो चुके हैं माइटी ईगल्स के। अच्छा यार कर और ये कीपर की थ्रो, 1 रन इसी आसना में 1 रन बना, बढ़ता हुआ स्कोर 130। 2 वाले 8 वाले भी बाकी हैं, 8 वालों पर 34 रन दरकार हैं यहाँ जीतने के लिए मैच को माइटी ईगल्स को। ये शाजी ये जो आखिरी ओवर है माइटी ईगल्स का ये ही लेट हुआ है इनको, आखिरी ओवर जो उन्होंने बॉल में किया था कितने रन बने थे उसमें 20 रन आखिरी ओवर। तो बस ये देख लें 20 रन का वही डिफरेंस आ गया इनका यहाँ, अगर होता तो अभी 14 रन चाहिए होते हैं इनको। बड़े क्योंकि बड़े अच्छे ओवर यहाँ किए हैं एंड ऑफ द इनिंग्स स्पार्टन्स के बॉलर्स ने। आए बॉल की और ये एक बाउंसर, बैट्समैन ने हेलमेट नहीं पहना था इसलिए बाउंसर करने की कोशिश की। 1 रन 7 बॉले 33 रन।32 रन दरकार
अच्छा ठीक है, इरफान कैची कर सी, ठीक है ठीक है, इरफान कैची ही दे दे, ठीक है रन से डाल, 33-32 चाहिए, बहुत 1 ओवर 32 रन, बहुत है ठीक है, दो गेंद पानी में रार पार करने का चला गया, एक गेंद डाल दिया तो फिर चलो एक देख फिर चांस हो जाता है, ये फील्डर भी बाहर था उसने बॉल कर, वो तो होते रहते हैं, इस वक्त अंपायर को नहीं पता होता ना ज्यादा ने चेंज किया, लेकिन फील्डर दायरे से बाहर से भाग के आ रहा था, इरफान लास्ट ओवर की इनिंग्स का आई बॉल की और ये नो बॉल, अंपायर का इशारा, नहाल में वो दायरे से बाहर था, नो बॉल, नो बॉल पे दो रन, अच्छा उसके लेग की जानिब तीन फील्डर हो गया ना, वेल चेक्ड, एक अच्छा चेक अंपायर की जानिब से, स्केयर लेग साइड पे तीन फील्डर हो चुके थे, 6 बॉल 29 रन, जेमिसन ओ ये रिलैक्स हो जैसा कुछ, आज वाले 28 मैच तकरीबन स्पार्टन के हाथ में, ठीक था आप इतना भी तो ठीक थे आप, फजल इस बॉल पे मस्ट बाउंड्री चाहिए अगर मैच में रहना है, आए इरफान कैंची बॉल किया और ये कट सीधा साकिब के हाथ में, एक रन बनेगा और ये मैच स्पार्टन ने यकीनी पता हासिल कर लिया जी, 4 बॉल पर 27 रन चाहिए, यहाँ बिल्कुल अब बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज के साथ ग्राउंड के अंदर अदनान अपनी हल्की सी मुस्कुराहट बखेरते हुए तीसरा बॉल करने के लिए आएंगे, फ्लैटेड डिलीवरी की इस बार, खेलना चाहते थे कदमों का इस्तेमाल कर खेला, स्टंप किया यहाँ आज के हीरो करीम खान, वन लेफ्ट अभी, आसिफ रजा मौजूद हैं लास्ट मैन पे, ओए ग्लव्स पे वो तो किन क्या है गली क्रिकेट हो रही है, तो मैं क्या गुल्ली डंडा खेलने आ रहा कम से कम अपने उस भी बात जान जो बस चेंज तो बाइट सी होना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरा ना बोलना देखना क्या देखता हूँ, नहीं मैं सच्ची बात बताऊँ ना, अभी हमने जो किया ना और हमने इसको 17 तक हमने कराया ना, और एक जो लेट आई है उसका काटे हमने, छोड़ा किसी को भी नहीं, हमने नहीं होना भी इनके साथ होना ही चाहिए, यकीन करें बस तब ये एक्यूरेट ओवर करेंगे, जल्दी आएंगे, दो बॉल 27 रन, दो बॉल बस 27 रन चाहिए जी, और अंपायर का इशारा वाइड बॉल होगी, एक्स्ट्रा सिक्स में एक रन का मजीद इजाफा होगा जी, बहुत शुक्रिया आपका उमर, आप आज स्लैटली कमेंट्री भी की आपने, आज मेरा साथ दिया है, बहुत शुक्रिया आपका, इस बार स्वीप शॉट खेले, फील्डर मौजूद होंगे डीप स्केल की जानेब सनाउल्लाह, और एक रन आसानी के साथ समेटेंगे यहाँ, एक बॉल पर 25 रन दरकार है यहाँ मैच को जीतने के लिए, स्पॉट ड्राइव किया कवर की जाने, फील्डर मौजूद होंगे मनान, और एक रन आसानी के साथ होगा, दूसरे रन के लिए भागना चाहेंगे, तीसरा भी 2 रन अजी 23 रन से 22 रन से मैच को जीता जी यहाँ स्पार्टन्स ने, कांग्रेचुलेशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम व्यूअर्स का जी।